आज की वीडियो में आप अपना खुद का इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पूरा जानकारी देंगे कौन सा चार्जर खरीदना है, चार्जर का कॉस्ट क्या होगा, कौन से कंपनी से चार्जर्स परचेज कर सकते हो, सोलर चार्जर लेना या नॉर्मल चार्जर, फ्लोर प्लान क्या होना चाहिए, बिजनेस कॉस्टिंग क्या होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के रूल्स क्या है, MSMEs के लिए कौन सा लोन्स अवेलेबल है और उन लोन्स को काफ़ी कम रेट में कैसे ले सकते हो, लोन्स में सब्सिडी कैसे मिल सकता है, बैटरी स्वैपिंग क्या होता है, रेट्रोफिटिंग क्या होता है, कौन सा लाइसेंस चाहिए। बाय द वे, इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता, लेकिन आपको कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होता है। ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को मैंने 11 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इन इंडिया, टाइप्स ऑफ चार्जर्स, फ्लोर प्लान एंड लोकेशन, कॉस्टिंग, बैटरी स्वैपिंग एंड रेट्रोफिटिंग, गवर्नमेंट सब्सिडीज और पॉलिसीज, फ्लो ऑफ द एंटायर प्रोसेस, लोन्स फॉर SMEs, चैलेंजेस इन EV पब्लिक चार्जिंग स्टेशन और कंक्लूजन। इसका टाइम स्टैम्प मैंने नीचे दिया है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सेगमेंट में जाना है तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल बेसिस। आजकल का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नॉर्मल व्हीकल से ज़्यादा पावरफुल और कॉस्ट इफेक्टिव बन रहे हैं। पहले आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे चलता है इसका एक जिस्ट बताता हूँ। इलेक्ट्रिक कार का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका बैटरी होता है। ऑलमोस्ट 30% का कॉस्ट बैटरी होता है। ये बैटरी मोटर को पावर देती है एंड कार आगे चलती है। इसमें एक इन्वर्टर भी होता है। बैटरी जब हीट करता है तो एक फ़ैन के माध्यम से आगे से हीट फ्रंट से बाहर जाता है। इसमें और कोई इंजन या फ्यूल टैंक का ज़रूरत नहीं होता। ये बैटरी लिथियम का बना होता है एंड 98% ऑफ द इलेक्ट्रिक कार्स लिथियम बेस्ड होता है। जब आप एक इलेक्ट्रिक कार खरीदते हो तो उसमें आपको एक फ्री चार्जर भी मिलता है। तो आप ये सोचते होंगे कि चार्जिंग स्टेशन की क्या ज़रूरत है, लेकिन ये स्लो चार्जर होता है। ये आपके घर पर भी चार्ज कर सकता है, लेकिन ऑन एवरेज ये 8 to 9 hours लगता है फुल चार्ज होने में। फॉर एग्जाम्पल टाटा नेक्सॉन EV होम चार्जिंग में अराउंड 10 hours लगता है फुल चार्ज होने में, और ये फुल चार्ज में अराउंड 245 kilometers जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इन इंडिया। जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सुनते हैं तो सबसे पहले वो पुराना इलेक्ट्रिक स्कूटी की याद आता है जो काफ़ी स्लो चलती थी, लेकिन अब ये बदल गया। टेस्ला का इलेक्ट्रिक कार्स ने पूरा दुनिया को हिला दिया। इंडिया में टाटा, MG, महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक कार्स का काफ़ी मॉडल्स भी लॉन्च किए। इनफैक्ट जो भी मेजर कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल प्रोड्यूस करने के रेस में हैं। यहाँ तक कि रॉयल्स रॉयस ने भी अपना खुद का इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने के प्रोसेस में है। फन फैक्ट्स, क्या आपको पता है केरला गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक रिक्शा लॉन्च किया और उस पर सब्सिडी भी देते हैं। ये रिक्शा बहुत ही आम रिक्शा की तरह होती है। इनफैक्ट इंडिया में अराउंड 15 lakh इलेक्ट्रिक रिक्शास घूम रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ओला कैब्स ने इलेक्ट्रिक कैब्स इंट्रोड्यूस किया है जो बल्क में यूज़ होता है। इनफैक्ट वहाँ के लोग रिक्शा के बदले इलेक्ट्रिक कार प्रेफर करते हैं क्योंकि उसका कॉस्ट कम होता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ गवर्नमेंट हैवी सब्सिडी देती है बसेस, रिक्शा, कार जो सोलर एंड इलेक्ट्रिक पर चलती है। चार्जर। चार्जिंग बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, AC चार्जिंग और DC चार्जिंग। AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट एंड DC मतलब डायरेक्ट करंट। अपने घर पे जो करंट फ्लो होता है वो AC करंट होता है। उसी तरह ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस, बैटरीज, ये सब चार्ज करने के लिए DC करंट का चार्जिंग यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल फ़ोन का चार्जिंग, फ़ोन का बैटरी DC करंट यूज़ करता है। आप अपने फ़ोन को जब चार्ज करते हो तो आप कभी भी फ़ोन को डायरेक्ट प्लग पे नहीं लगाते, हम एक चार्जर का यूज़ करते हैं। ये चार्जर में एक एडाप्टर भी होता है जो अपने घर का AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक उसी तरह कार्स में भी सेम सिस्टम होता है। कार में भी एक एडाप्टर फिक्स्ड होता है, या ये एडाप्टर चार्जर में भी हो सकता है जो AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करता है, लेकिन इससे स्लो चार्जिंग होता है। आप डायरेक्टली डायरेक्ट करंट से भी बैटरी को चार्ज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक चार्जिंग स्टेशन जाना होगा और DC करंट फास्ट चार्जिंग होता है। अब आता है टाइप्स ऑफ चार्जर्स को समझना। बेसिकली दो टाइप के चार्जर्स होता है, AC चार्जर्स और DC चार्जर्स। AC चार्जर्स से हम अपने घर में भी चार्ज कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जनरली थोड़े कम वॉट्स के होते हैं
और डीसी चार्जर्स फास्ट चार्जर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा वॉट्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा नेक्सॉन में एसी चार्जर में ये पोर्ट होता है एंड डीसी चार्जिंग के लिए इसका नीचे एक रबर पैड होता है, वो रिमूव करके चार्ज करना होता है। चार्जर्स, पहले हम एसी चार्जर को समझते हैं। एसी चार्जिंग में दो लेवल्स होते हैं। पहला वाला है लेवल वन, जो गाड़ी के साथ फ्री मिलता है। ये जनरली 1-4 किलोवाट का होता है और पोर्टेबल होता है, लेकिन ये चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फुल चार्ज होने में 8-9 आवर्स लगता है डिपेंडिंग अपॉन द व्हीकल। ये चार्जर लो वोल्टेज कार्स, बाइक्स, रिक्शास के लिए पॉपुलर है। नेक्स्ट है एसी चार्जिंग में ही लेवल टू, स्लो चार्जिंग। ये जनरली 3-20 किलोवाट्स का होता है और एक कंपनी का इलेक्ट्रिशियन आके इंस्टॉल करके जाएगा। ये फुल चार्ज होने में लेवल वन से तो थोड़ा कम टाइम लेता है, अराउंड 4-8 आवर्स के बीच डिपेंडिंग अपॉन योर व्हीकल। ये आप अपने घर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये थोड़ा हायर वोल्ट व्हीकल्स के लिए एप्ट है, स्टिल ये चार्ज करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ये दोनों चार्जर्स होम चार्जर्स या प्राइवेट प्लेसेस में लगाया जाता है। नेक्स्ट है एसी चार्जिंग में लेवल टू, क्विक चार्जिंग। ये आपको जनरली पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर मिलेगा। ये अराउंड 1-2 आवर्स लगता है फुल चार्ज होने में डिपेंडिंग अपॉन योर कार। अब आता है आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बात फास्ट चार्जिंग की, यानी डीसी चार्जर की। फास्ट चार्जिंग में 4 टाइप्स होते हैं, टेस्ला सुपर चार्जर, CCS, चार्डेमो और GB चार्जर। टेस्ला सुपर चार्जर ये आईफोन जैसा है, ये सिर्फ टेस्ला कार्स को ही चार्ज करते हैं। GB चार्जर इंडियन गवर्नमेंट रिकमेंडेड चार्जर है जो बाइक्स रिक्शास को चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है CCS और चार्डेमो चार्जर। पहले कार मैन्युफैक्चरर्स अपने हिसाब से चार्जिंग पोर्ट्स क्रिएट करते थे, कोई स्टैंडर्ड चार्जिंग पोर्ट नहीं था, लेकिन स्लोली ये चेंज हुआ और स्टैंडर्डाइजेशन आना चालू किया। फास्ट चार्जिंग का सबसे टॉप 2 स्टैंडर्ड्स है CCS और चार्डेमो। CCS और चार्डेमो चार्जर डिपेंड करता है कार्स पे। CCS मतलब कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम्स और चार्डेमो ये एक जापानीज फ्रेज से आया जिसका मतलब चार्ज डे मूव, मतलब मूव यूजिंग चार्ज। ग्लोबल कंटेस्ट में चार्डेमो बहुत पॉपुलर है, लेकिन जो भी नए कार्स प्रोड्यूस हो रहा है वो CCS स्टैंडर्ड यूज़ करता है। इनफैक्ट टेस्ला जो यूरोप में कार्स बेचता है वो CCS स्टैंडर्ड का ही है। चार्डेमो चार्जर ओवर 70 कंट्रीज में यूज़ होता है, लेकिन ये स्लोली फेज आउट होने के प्रोसेस में है। इंडियन कंटेस्ट में जनरली मोस्ट ऑफ द कार्स जो इंडिया में मिलता है वो CCS स्टैंडर्ड यूज़ करता है, जैसे BMW, फोर्ड, MG, Volkswagen, टाटा, ये सारे CCS स्टैंडर्ड यूज़ करता है। चार्डेमो स्टैंडर्ड बहुत ही कम कार्स में यूज़ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल Hyundai Kona। ये मोबाइल चार्जर जैसा है, पुराने टाइम में जैसे वो USB चार्जर आता था, अभी नए मोबाइल्स में सी टाइप चार्जर आता है, वैसे ही पुराने टाइम में चार्डेमो चार्जर यूज़ होता था, लेकिन अब जो नए कार्स आ रहे हैं वो CCS स्टैंडर्ड यूज़ करता है। DC चार्जिंग अराउंड 40 मिनट्स लगता है 0-100% तक चार्ज होने में। बैटरी चार्जिंग अप टू 90% जल्दी होता है, लेकिन 90% से 100% थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। जब कोई अपना कार चार्जिंग के लिए लेके जाता है तो उसमें कभी भी 0% चार्ज नहीं होता, उसमें थोड़ा चार्ज ऑलरेडी होता ही है। ऑन एन एवरेज लोग चार्जिंग 90% तक करता ही है। अगर एग्जिस्टिंग चार्ज कार में 10-20% होगा, समझिए 20%, तो ये 20% से 90% होने में अराउंड 20-30 मिनट्स लगता है डिपेंडिंग अपॉन द व्हीकल। इन शॉर्ट फास्ट चार्जिंग का बेल्ट अराउंड 30 मिनट्स कंसिडर कर लो। सोलर चार्जर काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको डिस्कॉम का परमिशन नहीं लेना है एंड आपका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ही कम होगा। ये मॉडल्स पर डिपेंड करती है, 80 लाख से 2.3 करोड़ तक जा सकता है। इंडिया में सोलर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन मेनली EESL प्रोवाइड करता है। EESL मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एक जॉइंट वेंचर है। अगर आप सोलर चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना एरिया का क्लाइमेट एनालाइज करना होगा। अगर आपके एरिया में साल का मेजॉरिटी मंथ्स में बारिश होती है तो आपको शायद ये सोलर प्लांट बहुत महंगा पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के हिसाब से आपको मिनिमम फॉलोइंग चार्जर की रिक्वायरमेंट है। एक CCS चार्जर 50 किलोवाट का, एक चार्डेमो चार्जर 50 किलोवाट का, एक टाइप 2 AC चार्जर 22 किलोवाट का, एक भारत DC 001 15 किलोवाट का,
एक एसी 001 भारत चार्जर जिसमें तीन गन्स है और एक गन 3.3 किलोवाट का है। ये रिक्वायरमेंट्स पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के लिए है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच किया हुआ है। ये प्राइवेट चार्जिंग पॉइंट्स फॉर सेल्फ यूज़ या ओन्ड या लीज्ड फ्लीट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और हाँ, एक और चीज़, बसेस या हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के लिए ये फास्ट चार्जर मिनिमम 100 किलोवाट का होना चाहिए। फ्लोर प्लान एंड लोकेशन। चार्जिंग स्टेशन बहुत ही एडवांस्ड होते हैं। ये मोस्टली एक ऐप से चलती है जहां आप पब्लिक स्टेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो और चार्जिंग पॉइंट बुक कर सकते हो, एंड पेमेंट भी ऑनलाइन होता है, मोस्टली प्रीपेड। चार्जिंग स्टेशन का रिकमेंडेड प्लॉट कुछ इस तरह से दिखेगा। चार्जर्स के लिए 2x3 feet का ये तीन अर्थिंग पिट होगा, 2x4 feet का एक अर्थिंग पिट होगा, एंड 3x4 feet का 5 चार्जिंग स्टेशंस, मतलब चार्जिंग मशीन्स होंगे। ये मशीन्स के नाम भी मैंने इस ब्लॉग से मेंशन किया, ये सिर्फ रिकमेंडेड है। नेक्स्ट है 8x10 feet का ये 4 स्लॉट्स चाहिए होंगे। ये तीन कार के लिए होंगे एंड इसमें से एक स्लॉट बाइक्स, रिक्शा या ये कार के लिए भी हो सकता है। ये स्लॉट जो 15x25 feet का है ये होगा बसेस के लिए या हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के लिए। ये स्पेस जो नीचे है ये व्हीकल मूवमेंट के लिए होगा। ये 20x25 feet का स्पेस ट्रांसफार्मर के लिए और ये 8x10 feet ऑफिस स्पेस के लिए। ये पूरा एरिया 2000 square feet का होगा। लोकेशन। लोकेशन आइडेंटिफाई करना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। आपको पहले उस लोकेशन का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आइडिया होना चाहिए। आपका चार्जिंग स्टेशन आइडियली हाईवे पे हो सकता है जहाँ बहुत गाड़ियाँ चलती हो, मॉल्स या पार्किंग लॉट्स पे हो सकता है जहाँ लोग गाड़ियाँ पार्क करके मूवी या गेम्स खेलने जाते हैं, गवर्नमेंट या कमर्शियल बिल्डिंग हो सकता है जहाँ आपको रेंट थोड़ा कम पे करना पड़े, कोई एग्जिस्टिंग पेट्रोल पम्प या कोई रोड टचिंग लैंड हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। टेस्ला ने अपना खुद का एक रेस्टोरेंट चेन चालू करने का प्लान किया है ताकि लोग अपना गाड़ी चार्जिंग पर रखें और उस रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं। आप भी ऐसे कुछ प्लान कर सकते हैं। लोन्स फॉर SMEs। ये लोन्स गवर्नमेंट सपोर्टेड है एंड इसमें कई सारी सब्सिडीज भी मिलता है। MSME बिजनेस लोन्स फॉर स्टार्टअप्स इन 59 मिनट्स। ये लोन आपको एक घंटे के अंदर मिल जाता है अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो तो। नेक्स्ट है 42 एंड टू एंड एनर्जी एफिशिएंसी, ये सिडबी का लोन है। नेक्स्ट है बैंक क्रेडिट फैसिलिटेशन स्कीम, ये NSIC का है। नेक्स्ट है क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये अराउंड 2 करोड़ तक का आपको लोन मिलता है। नेक्स्ट है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स। फिर आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये गवर्नमेंट का है। सिडबी का मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर MSMEs। नेक्स्ट है स्टैंडअप इंडिया, उसका बाद आता है सस्टेनेबल फाइनेंस स्कीम। इन लोन्स का जो जनरल रिक्वायरमेंट्स है एंड थोड़े लोन्स का डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। अगर मैं सारे लोन्स के बारे में डिस्कस करूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया हुआ लिंक्स है उसको उसमें जाके चेक करना। कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में सबसे मेजर कॉस्ट तो चार्जर्स का आता है। मैंने कई कंपनी से कोटेशन लिया बट वो यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप एक कंपनी से कोटेशन लेते हो तो आप एक डिक्लेरेशन भी देते हैं कि आप वो डिटेल्स शेयर नहीं करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे प्राइसेस के लिए फॉर्टम की वेबसाइट से लिया। ये चार्जर्स प्लेसेस के हिसाब से चेंज होता है, ये चार्जर्स उसका फंक्शन वोल्ट के हिसाब से भी चेंज होता है। ये कॉस्टिंग सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है। यहाँ मैंने सेपरेट चार्जर्स एज्यूम किया, एक CCS चार्जर और एक चार्डेमो चार्जर, दोनों 50 किलोवाट का, कॉस्ट 14,90,000 के आसपास होगा। ये कॉस्ट वोल्ट एंड मॉडल के हिसाब से चेंज होगा। 1 Type 2 AC चार्जर 22 किलोवाट का 1,22,000 होगा। एक भारत DC 001 15 किलोवाट का, ये 2,60,000 होगा। एक भारत AC 001, ये तीन गन होंगे 3.3 किलोवाट का, 65,000 का। ये हुआ चार्जर्स का इंडिकेटिव अमाउंट। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ट्रांसफार्मर, स्विच यार्ड, केबलिंग एंड दूसरी चीज़ों का अराउंड 7,36,000 होगा। चार्जिंग एंड पेमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंटरफेस, ये होगा अराउंड 28,000 का। कंस्ट्रक्शन वर्क, शेड, फ्लोरिंग, ये होगा 2,08,000 का। सिक्योरिटी कैमरा,
ये होगा 28,000 का। अदर ओवरहेड्स ये हुआ 30,000 का, टोटल हुआ 29,67,000 का। ये कैपिटल कॉस्ट है, और अगर आप हाई वोल्ट्स का चार्जर खरीदते हो तो हाई कॉस्ट भी इनकर करना पड़ता है। मैंने यहाँ एवरेज रेट्स मेंशन किया है जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स का है, ये सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए है। फॉर कैलकुलेशन पर्पस जो एग्जिस्टिंग 29,67,000 का अमाउंट है वो ही मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। MOP यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के रूल्स के हिसाब से एक सुपरवाइज़र जो स्किल्ड है वो चाहिए होगा। इसका सैलरी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 15,000 पर मंथ होगा, जो पूरे साल में 1,80,000 होता है। एक अनस्किल्ड पर्सनल जिसका सैलरी 10,000 पर मंथ होगा, पूरे साल में 1,20,000। ये सैलरी एरिया टू एरिया डिपेंड करेगा। इंटरनेट और नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर का कॉस्ट होता है ₹4,000। चार्जिंग एंड पेमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये इंटरफेस, AMC रिन्यूअल चार्ज, ये होगा अराउंड 24,000। पेमेंट गेटवे फीस 2,000। इंटरनल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लाइक लाइट्स, फैंस एक्सेट्रा, ये होगा 2,000। नेक्स्ट आता है लैंड लीज। यहाँ मैंने अज्यूम किया है कि ₹50,000 पर मंथ होगा, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये साल का ₹6,00,000 अज्यूम किया है मैंने, जो 50,000 पर मंथ इसके हिसाब से। अदर ओवरहेड्स कॉस्ट होगा 15,000, ये साल का 9,47,000 होगा। अब आता है पे बैक और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात। अभी यहाँ मैं अज्यूम किया है कि चार्जर 5 hours के लिए वर्क करेगा एक दिन में, ये मैक्सिमम 20 hours भी हो सकता है, लेकिन मैं सेफर साइड एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके सिर्फ 5 hours ही कंसिडर कर रहा हूँ। पर डे किलोवाट का यूसेज चार्जर के हिसाब से मैंने यहाँ मेंशन किया है। टोटल यूसेज 5 hours बेसिस पे 734.5 किलोवाट होगा, ये यूनिट्स में कैलकुलेट होता है। पूरे साल में मतलब अराउंड 330 डेज मैंने यहाँ पे लिया है, उसके हिसाब से 2,42,385 यूनिट्स कंज्यूम होगा। टोटल पेमेंट टू डिस्कॉम यानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ₹4.85 के हिसाब से 11,75,567 रुपीज़ होगा। अभी ये 4.85 रुपीज़ ये कर्नाटका गवर्नमेंट का सब्सिडाइज्ड अमाउंट है, ये तेलंगाना में ₹6 के आसपास है, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग होगा। चार्जिंग पर यूनिट टू कस्टमर, यहाँ मैंने ₹10 पर यूनिट कंसिडर किया। आज की तारीख पे गवर्नमेंट का कोई रूल या रेगुलेशन नहीं है कि आप कस्टमर को कितना चार्ज कर सकते हो, ये ₹8 से लेकर ₹18 तक भी होता है। ये मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल ले रहा हूँ जहाँ पर ₹18 भी चार्ज होता है। मैंने यहाँ ₹10 ही कंसिडर किया, तो 2,42,385 यूनिट्स में अमाउंट मिलेगा 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 24,23,850 रुपीज़। ग्रॉस प्रॉफिट होगा 12,48,283 और नेट प्रॉफिट होगा 3,01,283। ये मिनिमम प्रॉफिट होगा अगर मैं 20 हावर्स कंसिडर करूँ एंड चार्जिंग अमाउंट ₹17 को कंसिडर करूँ, तो नेट प्रॉफिट होगा 1,08,32,911। कैपिटल कॉस्ट ऑन एन एवरेज 2 to 3 years में रिकवर हो जाएगा। अगर आप स्मार्ट हो तो किसी लॉजिस्टिक्स या टूर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो और अच्छे प्रॉफिट्स भी कमा सकते हो। हो सकता है आप कैपिटल कॉस्ट एक साल में ही रिकवर कर लो। नॉर्मल कार एंड इलेक्ट्रिक कार के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक कार और सस्ता होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक बाइक एंड नॉर्मल बाइक से कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक बाइक और सस्ता होता है। मैंने इसका कंपैरिजन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये अपने टॉपिक से थोड़ा हटके है। इसके लिए बैटरी स्वैपिंग एंड रेट्रोफिटिंग। बैटरी स्वैपिंग कंसेप्ट बेसिकली बैटरी का जो कैपिटल कॉस्ट है उसको ऑपरेशनल कॉस्ट में कन्वर्ट करता है। ये कंसेप्ट LPG गैस सिलेंडर जैसा है, मतलब आप जब गैस सिलेंडर खरीदते हो तो आपको सिलेंडर के अंदर गैस खरीदते हो, सिलेंडर नहीं। आपका सिलेंडर खत्म होने के बाद आप वो गैस सिलेंडर को वापस करते हो। वो सिलेंडर का पेंट है या थोड़ा फेडेड है या नया नया पेंटेड है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस गैस सिलेंडर के लिए आपको एक डिपॉजिट भी पे करना होता है। ठीक वैसे ही बैटरी स्वैपिंग कंसेप्ट है। आप अपने बाइक या रिक्शा का बैटरी निकाल के इस मशीन में डालते और वो मशीन ऑटोमेटिक उसमें एग्जिस्टिंग चार्ज पता लगाएगा एंड अपना कार्ड स्वाइप करने पर एक फुल्ली चार्ज्ड बैटरी को रिलीज करेगा। इस पूरे प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है।
ये प्रोसेस कार्स के लिए भी काफ़ी सिमिलर होता है, लेकिन ये नीचे से बैटरी को रिप्लेस करता है और इसमें ऑटोमेटिक मशीन्स चाहिए होता है। कार बैटरी स्वैपिंग के लिए आपको काफ़ी बड़ा कैपिटल कॉस्ट चाहिए होगा, सिंस ये बैटरीज हैवी होता है, काफ़ी हैवी होता है और ऑटोमेटिक मशीन्स की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट अमेरिका में टेस्ला कार्स ने भी बैटरी स्वैपिंग इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट एक और कंपनी है एम्पल बोल के, जो बैटरी स्वैपिंग में अमेरिका में स्लोली सक्सेसफुल हो रही है। और हाँ, बस के केस में बैटरी स्वैपिंग साइड से होता है। यहाँ मैं आपको एक टिप दूंगा, अगर आपके पास डिसेंट कैपिटल है तो आप अराउंड 20 ई रिक्शा विथ सोलार खरीद सकते हो एक स्वैपिंग स्टेशन के साथ, एंड 20 ड्राइवर्स को एम्प्लॉयमेंट में रख सकते हो। मेरे हिसाब से अराउंड 2-3 साल में ब्रेक इवन होना चाहिए। कंपनीज जो इंडिया में बैटरी स्वैपिंग में इन्वॉल्व है वो ACME है, सन मोबिलिटी है, फोर्टम है, ओला मोबाइल इंस्टीट्यूट है, ये सारे हैं। रेट्रोफिटिंग, रेट्रोफिटिंग मतलब आपका पुराना गाड़ी पेट्रोल डीजल या CNG जो भी हो उसको चेंज करके एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना। अगर आपका पुराना व्हीकल है और उसका इंजन ख़राब है तो उसको रिपेयर करने से अच्छा उसको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर सकते हो। और हाँ, आपका फ्यूचर कॉस्ट कम कर सकते हो और उसका यूसेज भी बढ़ा सकते हो। इंडिया में मैंने ऐसे 3 कंपनीज आइडेंटिफाई किया है जो रेट्रोफिटिंग में इन्वॉल्व है और मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होता, लेकिन आपको डिस्कॉम अथॉरिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का परमिशन चाहिए होता है टू सेटअप ट्रांसफार्मर, हाई वोल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्सेट्रा। आपको गैस और वाटर अथॉरिटी से भी परमिशन लेना होता है, क्योंकि आपको डिग करके वायर्स निकालना है और अर्थक्वेक भी क्रिएट करना है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटी से भी परमिशन लेना होगा। फायर डिपार्टमेंट से आपको अप्रूवल लेना होगा और हर एक साल फायर ऑडिट भी कराना होगा। इंडिया ईवी इंडस्ट्री को काफ़ी प्रमोट कर रही है, तो ये सारे परमिशन लेना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है सब्सिडाइज्ड रेट की बात। कर्नाटका गवर्नमेंट 4.85 रुपीज़ चार्ज करता है पर यूनिट, तेलंगाना गवर्नमेंट 6 रुपीज़ चार्ज करता है। ये सब्सिडाइज्ड रेट डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। गवर्नमेंट की काफ़ी पॉलिसीज़ है, FAME II के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया। फ्लो ऑफ द एंटायर प्रोसेस, इस सेगमेंट में मैं पूरा प्रोसेस एक नेचुरल में बताऊंगा कि इवेंट्स का फ्लो क्या आना चाहिए। स्टेप नंबर 1, लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है। स्टेप नंबर 2, फाइंड सप्लायर एंड कोटेशंस। स्टेप नंबर 3, नोडल एजेंसी या डिस्कॉम, डिस्कॉम मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अप्रोच करना है फॉर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टिमेशंस के लिए, अरेंजमेंट्स के लिए एक्सेट्रा। स्टेप नंबर 4, ईवी चार्जिंग इक्विपमेंट्स खरीद के इंस्टॉल करना है एज पर डिस्कॉम नॉर्म्स। स्टेप नंबर 5, डिस्कॉम से इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग होगा। स्टेप नंबर 6, क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है डिस्कॉम से। स्टेप नंबर 7, आपका जो डेटा है चार्जिंग का वो डिस्कॉम से शेयर करना है और वो लोग उसको एसेस करेंगे। चैलेंजेस इन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, नंबर 1 पे आता है टेस्ला। आईफोन की तरह है, मतलब टेस्ला का चार्जर किसी दूसरे व्हीकल से अप्लाई नहीं होता, लेकिन ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो चार्जिंग पॉइंट में 2 गन्स देते हैं जिससे टेस्ला भी चार्ज कर सकते हैं। ये एक चैलेंज तो नहीं हुआ, बट हाँ मुझे लगा कि आपको जानना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने ऐसे 3 टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में मालूम किया। एक है फ्लैश चार्जर, जो कुछ सेकंड्स में ही गाड़ी को फुल चार्ज करता है। ये अभी भी टेस्टिंग फेज में है। अगर ये चार्जर इंडिया में आया तो भी वो चार्जिंग को सपोर्ट करने के लिए हाई वोल्टेज का पावर सोर्स चाहिए होता है, जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता, और इंडिया में ये टेक्नोलॉजी आने में बहुत टाइम जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में हाइपरलूप बना रहे, लेकिन ये इंडिया में आने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। दूसरा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी मटेरियल, जैसे एल्यूमिनियम बेस्ड बैटरी या डायमंड बेस्ड बैटरी। इन टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स है और काफ़ी रिसर्च चल रहा है, लेकिन अब तक ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है। बाइक्स एंड ई रिक्शा, आज की तारीख में जो बाइक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा रोड पे है वो लो वोल्ट चार्जिंग वाले गाड़ियाँ हैं, मतलब उसमें फास्ट चार्जिंग नहीं कर सकते, स्लो चार्जिंग यूज़ करना होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली लोग अपने घर पे ही
बाइक्स एंड रिक्शाज को चार्ज करेंगे और सिर्फ इमरजेंसी में ही पब्लिक पावर चार्जिंग स्टेशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी। मैं वैसी सिटी में रहता हूँ जो मुंबई के काफ़ी नियर बाय है और यहाँ CNG नहीं मिलता, बिकॉज CNG का लाइन यहाँ तक लेके आना बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है, इसलिए यहाँ नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्जिंग में ये प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका एक फ्लिप साइड है। पुणे में कुछ बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिसमें स्लो चार्जिंग स्टेशन की मशीन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पार्किंग लॉट्स में। प्रैक्टिकली बिल्डिंग सोसाइटीज़ में फास्ट चार्जर इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल होता है ड्यू टू कॉस्ट इन्वॉल्व्ड एंड ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना है, परमिशन लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर एक बड़ा सोसाइटी चाहे तो वो अपने लोकेलिटी में एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आपका स्टेशन ऐसी लोकेशन के पास रहा तो आपका रेवेन्यू को ज़रूर इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट है वेटिंग पीरियड मैनेजमेंट। अगर आपके चार्जिंग स्टेशन पे किसी ने गाड़ी चार्ज करने रखा है और अगर वो इंसान टाइम पे नहीं आता है गाड़ी को पिकअप करने, तो फर्दर स्टेप क्या होना चाहिए ये आपको डिसाइड करना होगा, और हो सकता है ये काफ़ी चैलेंजिंग हो बिकॉज पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे बुकिंग ऐप थ्रू होता है और हो सकता है कि नेक्स्ट यूज़र ऑलरेडी वेटिंग लाइन में खड़े हो। नेक्स्ट है हाइब्रिड व्हीकल्स। टोयोटा कैमरी हाइब्रिड व्हीकल का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये पेट्रोल पर चलती है और साइमल्टेनियसली बैटरी को भी चार्ज करती है। इसका मतलब ये पेट्रोल पर चल रही है और पेट्रोल ख़त्म हो गया तो कुछ दूर तक ये बैटरी भी चलती है। लेकिन ऐसे हाइब्रिड व्हीकल्स का काफ़ी प्रॉब्लम्स होता है और लिमिटेशंस होती है, क्योंकि ऐसे व्हीकल्स का वेट बहुत ही ज़्यादा होता है और इसे कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसे कार्स आते हैं जो चलते हुए ऑटोमेटिक चार्ज करते हो और चार्जिंग का फ्रीक्वेंसी कम हो, तो शायद आपको इफेक्ट कर सकती है। एंजाइटी इश्यूज़। व्हीकल ओनर को काफ़ी एंजाइटी इश्यूज़ हो सकता है जो हो सकता है आपको हैंडल करना पड़े, जैसे वेटिंग एंजाइटी, चार्जिंग स्टेशन ढूंढने का एंजाइटी, बैटरी ख़त्म होने का एंजाइटी। एज अ पब्लिक स्टेशन ओनर ये सब आपको मैनेज करना पड़ेगा। कंक्लूजन। जब इंडिया में पेट्रोल गाड़ियाँ आने लगी उस टाइम में भी लोगों को बहुत एंजाइटी थी कि ये कैसे चलेगा। आज की तारीख में पेट्रोल पम्प तो बहुत सारे हैं, तो भी इंडिया के ज्योग्राफी और पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ पेट्रोल पम्प्स काफ़ी कम है। इनफैक्ट आज भी ऐसे काफ़ी प्लेसेस हैं जहाँ पर लोगों को पेट्रोल भरने के लिए बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है। इंडिया का टारगेट यही है कि 2030 तक इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, और उसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स भी ले रहे हैं। वर्ल्ड ऑटोमेटिव का नेक्स्ट फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होगा। हम इस प्रोवर्ब में बिलीव करते हैं जो कहता है कि गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन हाउ टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। सो हमें प्लीज़ सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और हाँ प्लीज़ शेयर करना भूलना मत। धन्यवाद।